हेयर आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस जो एवोपरेशन के कूलिंग इफेक्ट को शो करता है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्रेस्पिरेशन मीन स्वेटिंग हेल्प कीप्स अवर बॉडी कूल ऑन हॉट डे. अगर कोई गर्मी का दिन है तो स्वेटिंग हमने को आता ही आता है. देखिए स्वेटिंग आने से किस तरह से अपने को कूलिंग इफेक्ट हो सकता है. बॉडी में स्वेटिंग आया दैट डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सनलाइट. जैसे ही ये हीट के कॉन्टेक्ट में आता है वो हीट के कॉन्टेक्ट में आना शुरू हो गया, राइट. अब ये जो स्वेटिंग आई है ये स्वेटिंग को एवोपरेट होना है. एवोपरेट होना है तो इसको डायरेक्टली टच किसके हैं, हमारी बॉडी से टच में है. बॉडी से टच में होने की वजह से ये जो स्वेटिंग है इट स्टार्ट टेकिंग द हीट फ्रॉम अवर बॉडी. हमारी बॉडी से हीट लेगा इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट, और ये लेटेंट हीट जो रहेगी जो उसको वेपोरेट होने में हेल्प करती है. सो इट एब्जॉर्ब द हीट विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट विच लीव्स द कूलिंग इफेक्ट इन अवर बॉडी. तो इस तरह से ये जो प्रेस्पिरेशन है या स्वेटिंग है वो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट छोड़ कर जाता है, क्योंकि उसने क्या एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसने हमारी बॉडी से लेटेंट हीट के अमाउंट वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था टू कन्वर्ट इनटू द गैशियस फेज. सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे. डेजर्ट कूलर ज्यादा कूल कर सकता है हॉट ड्राई डे में, ऐसा क्यों? जब भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हम कूलर को यूज करते हैं. सी कूलर क्या होता है, वाटर स्प्रिंकल करता है फ्लोर पर, चारों तरफ वाटर स्प्रिंकल करता है. अब चूंकि दिन गर्मी का है तो इसलिए क्या होगा, जो वाटर स्प्रिंकल हुआ है इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द फ्लोर, और वो उन चीजों से भी हीट एब्जॉर्ब करेगा जिन जिन चीजों पे वो गया हुआ है. हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट, और लीव पीछे क्या छोड़कर जाएगा, कूलिंग इफेक्ट. सो वी कैन से दैट कि डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज इट कन्वर्ट इनटू द गैशियस फेज बाय टेकिंग द लेटेंट हीट, बाय टेकिंग द लेटेंट हीट. सो ये पीछे क्या छोड़कर जाएगा, दैट इज कूलिंग इफेक्ट छोड़ के चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज द वॉटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर. मटका, अर्थन पॉट, अर्थन पॉट में वॉटर है, वॉटर में छोटे अर्थन पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से वॉटर कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके बाहर आता है. ये जो वॉटर है गर्मी के दिनों में वाटर है ये एवोपरेट होने की कोशिश करेगा. अब ये एवोपरेट होने की कोशिश करेगा तो ये हीट कहाँ से लेगा, ये हीट उस अर्थन पॉट से लेगा और प्लस उस वाटर से जो उसके अंदर स्टोर है. तो स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द वाटर इनसाइड द पॉट इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट, और इस तरह से लेटेंट हीट के अमाउंट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये कैसा हो जाएगा, पानी अंदर के पॉट का पानी ठंडा हो जाएगा. तो इस तरह से हम गर्मियों में अर्थन पॉट में पानी रखते हैं क्योंकि वो लेटेंट हीट के थ्रू पानी जो पानी बाहर है वो लेटेंट हीट के थ्रू उसको ठंडा करेगा और पीने के लिए लायक बना देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर एंड व्हाट. देखिए समर में बेसिकली हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, उसका कारण क्या, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, स्वेटिंग हुआ तो कॉटन क्लोथ ने उस स्वेट को एब्जॉर्ब किया और अब ये जो स्वेटिंग है ये वेपराइज होना चाहती है. तो जब वेपराइजिंग के लिए ये हीट कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा, और हमारी बॉडी से लेगा तो लीव कूलिंग इफेक्ट पीछे की तरफ छोड़कर जाता है. इस तरह से कॉटन क्लोथ हमको समर में पहनना चाहिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एसीटोन को अगर हम हाथ में रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, एल्कोहल को अगर हम हाथ में रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि इनका भी जो एवोपरेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट टेक्स द हीट फ्रॉम अवर बॉडी, इस वजह से हमें ठंडा कूलिंग इफेक्ट महसूस होने लगता है. घरों के बाहर स्प्रिंकल कर दिया जाता है पानी से, दैट वाटर स्टार्ट टेकिंग द हीट फ्रॉम द फ्लोर और पीछे क्या छोड़ के जाएगा, कूलिंग इफेक्ट. तो इस तरह से एवोपरेशन के कूलिंग इफेक्ट होते हैं जो मैंने ऊपर हेडिंग लिख रखा है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवोपरेशन, जो ये शो करता है कि किस तरह से एवोपरेशन के दौरान कूलिंग इफेक्ट होता है और जो हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है. इस चैप्टर के अंदर
हमने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बस मैं आपको दो चीज़ और एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो हमने स्टेट ऑफ मैटर में पहले पढ़ी थी, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर ही है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी स्टेट ऑफ मैटर भी है, लेकिन जनरली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। प्लाज्मा एक एक्चुअली इट्स अ आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर जो हमें सन में या स्टार्स में देखने मिलती है। मतलब गैशियस को भी अगर और हाईली, गैशियस मॉलिक्यूल को भी अगर और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो वो प्लाज्मा कंडीशन में नज़र आती है। और वहीं पर अगर हम सॉलिड पार्टिकल को भी और ज़्यादा कूल कर दे, बहुत ज़्यादा जब मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो डिसअपियर हो जाएंगे, उस पोजिशन को हम बोल सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सबसे पहले बोस और आइंस्टीन ने ही देखा था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इसका नाम दिया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जिस तरह से देखिए गैस का हायर रूप यानी आयोनाइज्ड फॉर्म कहलाता है प्लाज्मा, वैसे ही सॉलिड का लोअर फॉर्म मींस और सॉलिड को और भी ज्यादा अगर हम क्लोज कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो स्टेट डिसअपियर रहती है वो नजर नहीं आ सकती है, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट ये माना गया है कि ये कंडीशन भी ये कंडीशन भी हो सकती है। सो अगर हम देखेंगे सबसे लोअर पे हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, देन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, एंड गैस के ऊपर प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा देखने को भी मिलती है यहाँ पे अर्थ पे भी, नियॉन बल्ब में जो रोशनी भरी रहती है दैट इज द प्लाज्मा। आयोनाइज्ड गैस होती है ये, सन में नेचुरली है एंड स्टार्स में नेचुरली अवेलेबल है। इस तरह से इस चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेटेंट हीट, फ्यूजन, वेपराइजेशन, दोनों का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करना है। कूलिंग इफेक्ट के जितने क्वेश्चंस हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉलिड, लिक्विड और गैस को किन दो तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड आइस क्या होती है और ड्राई आइस क्या होती है, दैट ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, आपको अच्छे से नोट्स बना के और उसका तैयारी करना है। ओके, हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आगे की फ्यूचर क्लासेस में भी आपको कैरी फॉरवर्ड होंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल है 11th स्टैंडर्ड में। सो सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं जिससे पता लगता है कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। चाहे आप शुगर लें, सॉल्ट लें, चेयर लें, टेबल लें, या खुद को ही ले लें, हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनको हम एटम्स बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अब देखिए इसको समझाने के लिए कि एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरह से किसी चीज को बनाने के लिए यूज होते हैं, उसके लिए कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ शो किए गए हैं जो हमें इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है। प्लस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमें फॉर्मूला मेकिंग सीखना है कि एटम्स आपस में किस तरह से फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, उनका फॉर्मूला मास कितना होता है और किस तरह से उसके मास को डिफाइन किया गया है स्टैंडर्डली। प्लस इसके अलावा गैशियस में कितना मास प्रेजेंट है किसी भी एटम्स का या किसी भी मॉलिक्यूल का, कितने एटम प्रेजेंट है, ये सारी चीजें भी हमें इस सेक्शन के अंदर ही पढ़नी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम शुरू करते हैं यहां पर, दैट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ में फर्स्ट लॉ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ, एंड थर्ड है
लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमें सिर्फ इन दो लॉज के बारे में ज्यादा स्टडी करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये देखा गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उस रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस बनते हैं जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जब उन प्रोडक्ट का मास लिया गया और रिएक्टेंट का पहले मास लिया गया तो देखा गया कि रिएक्टेंट का जो मास था और प्रोडक्ट का जो मास था वो आपस में इक्वल है। इट मीन्स है कि जितनी चीज़ों ने पार्टिसिपेट किया था उतनी ही चीज़ें नए सब्सटेंस में भले ही कन्वर्ट हो गई हों लेकिन उसके मास में ना तो इंक्रीमेंट हुआ है और ना ही डिक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ऑब्जर्व किया गया अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में और ये निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कि जो मास है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ डिफाइन किया गया। ये डिफाइन किया था लवेजियर ने और उन्होंने बताया दैट कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म। इट मीन्स कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट अगर 50 ग्राम है तो यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास भी, टोटल मास कितना आना चाहिए, 50 ग्राम ही आना चाहिए। इस प्रोडक्ट में एयर भी इंक्लूड हो सकती है, जो भी गैस निकली हुई है वो भी इंक्लूड हो सकती है क्योंकि वो भी इस रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट थी इस वजह से। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, हीट करने से ये डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो होता है 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो होता है वो है होता है 56 ग्राम और CO2 का जो मास होता है दैट इज 44 ग्राम। इस तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल मास किसके बराबर आ गया, 100 ग्राम के बराबर। इट मींस दैट कि जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट का मास है। तो ये शो होता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया है। इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शंस देखी गई जहां पर देखा गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कैसा था, इक्वल। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, इस मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ के बारे में बोला गया है कि जिस तरह से वाटर की सपोज बात करते हैं, वाटर चाहे आप इस अर्थ का पिए, चाहे आप चंद्रमा पे जाके ढूंढें या आप मार्स पे जाके ढूंढें, इसका जो प्रोपोर्शन है H2O ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अकेला H2O के बारे में नहीं, आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस के बारे में या कंपाउंड के बारे में भी बात कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें चाहे अमेरिका की कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका प्रोपोर्शन या उसका फॉर्मूला हमेशा कैसा रहेगा, CO2 ही रहेगा। ये जब बहुत सारे कंपाउंड में ऑब्जर्व किया गया तो उस बेसिस पे ये लॉ बनाया गया है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ के बारे में कहा गया है कि अ केमिकल कंपाउंड कॉन्सिस्ट सेम एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो, अ केमिकल कंपाउंड कॉन्सिस्ट सेम एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो। इस तरह से हमें पता लगता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होगा वो कभी एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में कंसीडर किए रहेगा। अ केमिकल कंपाउंड
ऑलवेज कॉन्सिस्ट सेम एलिमेंट इन अ सेम प्रपोर्शनल ऑफ सेम प्रपोर्शनल ऑफ मास दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ. केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ में एग्जाम्पल देखिए H2O. आप बॉटल कहीं भी देखेंगे हमेशा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा. अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दैट इज वन. सो 2:1 का रेशियो है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में. इस तरह से हम ये सब कह सकते हैं कि 2:1 ये जो रेशियो है बाय वॉल्यूम हमेशा रहेगा, चाहे आप वाटर को कहीं भी किसी भी जगह से इकट्ठा करते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं दैट इज CO2 की. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 2, 1/2 बाय वॉल्यूम. ये यहां जो अभी मैंने रेशियो लिखा है बाय वॉल्यूम लिखा है. अब देखिए लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं बाय मास की, तो मास से किस तरह से यहां पे देखेंगे. हाइड्रोजन का मास होता है एक, हाइड्रोजन का मास एक, तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2. ऑक्सीजन का मास होता है 16, इस तरह से ये हो गया 2:16 मीन्स 1:8 बाय मास. तो वाटर का जो रेशियो है 1:8 बाय मास, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है. CO2 का मास का चेक करते हैं, कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12 एंड ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज एक ऑक्सीजन 16, तो दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, थ्री इज टू एट बाय मास. सो हमने बाय वॉल्यूम भी रेशियो निकाल लिया है और बाय मास भी रेशियो निकाल लिया. अब आप लोग एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि ये जो मैं मास लिख रही हूं ये मास आ कहां से रहा है. तो देखिए इसी सेगमेंट के अंदर हमें एलिमेंट्स के मास को भी याद करना है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, जो इसी चैप्टर के अंदर करेंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको हर एक एलिमेंट एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के मास अपने को याद करने हैं ताकि इस तरह के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए. कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन के बाद नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या हम ये मैथमेटिक्स वाला लॉ नहीं है, इसको हम मल्टीपल प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं, मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ. सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन आप लोग स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, जो दो एलिमेंट में अलग अलग तरह से पॉसिबल हो सकता है. एनीवे द कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. एंड कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन लॉ का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज कौन सा सेम एलिमेंट इन अ सेम प्रपोर्शन ऑफ मास. इस सेगमेंट के बाद अब इंपॉर्टेंट एक थ्योरी आती है दैट इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो उन्होंने एटम्स के बारे में दी थी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखिए ये माना गया था कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. इसमें सबसे पहले जो थ्योरी पेश की गई वो थी डाल्टन के थ्रू. इन्होंने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी प्रोड्यूस की जो ये बताती है कि जो मैटर होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. इसीलिए इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट रखे, बाद में उन पॉस्टुलेट में कुछ कुछ मिस्टेक्स भी दिखाई गई, यानी लिमिटेशन भी, ड्रॉबैक भी प्रोड्यूस की गए. लेकिन सिंस उन्होंने सबसे पहले एटम की थ्योरी प्रोड्यूस की, इसलिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होती क्या है. सो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट एटम्स आर वेरी टाइनी
पार्टिकल्स, दे आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, सारे के सारे एटम्स बहुत छोटे होते हैं. सेकेंड हम इसके बारे में लिखते हैं एटम्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. सो एटम, किसी भी एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाता है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, एटम्स आर आइडेंटिकल. उन्होंने बताया कि किसी भी एटम एलिमेंट में अगर एटम प्रोड्यूस, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, चाहे उनका साइज हो, चाहे शेप हो, चाहे मास हो, वो हमेशा कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे. फोर्थ, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. इस तरह से ये कुछ पोस्टुलेट आए थे. उन्होंने बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल रहेंगे. ये जो थ्योरी थी ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों को ही प्रूफ कर रही थी. किस तरह से, कंजर्वेशन ऑफ मास. हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में. तो देखिए डाल्टन्स ने क्या कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आइडेंटिकल एटम थे, इसीलिए जब हमने उसको ब्रेक किया तो वो भले ही ब्रेक होकर आधे आधे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हों, लेकिन एक्चुअली सेम होने की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं. क्योंकि अगर यहाँ 100 एटम्स थे तो यहाँ भी 56 एटम और 44 एटम्स आ गए हैं, तो टोटल जो कंजर्वेशन था, टोटल जो एटम था वो अभी भी है. इसीलिए एटम्स को कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. हमने एक कंपाउंड को ब्रेक किया, एटम्स को आधा आधा कर दिया, लेकिन एटम इट्सेल्फ कैन नॉट बी डिवाइडेड. ठीक है. सो अब नेक्स्ट उसमें आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ. उन्होंने बताया कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स क्यों है. फिक्स इसलिए है क्योंकि उसके एटम कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, इस वजह से उसका फॉर्मूला भी फिक्स है. इस तरह से उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ दोनों को प्रूफ कर दिया. बट द थिंग इज दैट बाद में इसमें ड्रॉबैक आया जब रेडियो एक्टिविटी आई. रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस, इसमें एटम को डिवाइड कर दिया गया. एटम तीन छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं. सेकेंडली जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो इसका ये इस थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया. सेकेंड वाली चीज, एटम आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और इसको उन्होंने बोला कि दैट इज द एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल. स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एटम को डिवाइड किया तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट गया, तो इसलिए अब वो और स्मॉलेस्ट बचा नहीं था. इस तरह से हो गया. और उन्होंने पोस्टुलेट दिया था एटम्स आर आइडेंटिकल, ये भी गलत हो गया. उन्होंने देखा बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी जिसमें एटम्स के मास अलग थे, उनका साइज अलग था और उनका शेप अलग था. तो इस तरह से एटम्स आर आइडेंटिकल वाला जो पोस्टुलेट था वो भी गलत हो गया. कुछ ड्रॉबैक आने की वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फिर फेल किया गया, और उसके रिस्पेक्ट में फिर अलग अलग थ्योरी आनी प्रोड्यूस हो गई. इस सेगमेंट में अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एक्चुअली एटम होता क्या है और किस तरह का होता है, इसका रेडियस क्या होता है, एटम के सिंबल क्या होते हैं, किस तरह से अलग अलग गैसेस के अलग अलग सिंबल दिए गए हैं एटम को शो करने के लिए. सो नाउ कम टू द एटम. तो ये चीज तो पक्का है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट अ स्मॉलेस्ट बट द एटम इज अ स्मॉल पार्टिकल. इससे ही अलग अलग तरह के मैटर्स बने हुए हैं. इसमें चीज आती है एटम में कि एटम का रेडियस कितना हो सकता है. तो एटम की रेडियस के बारे में बताया गया है कि इट्स नियर अबाउट रेडियस ऑफ एटम इज नियर अबाउट 10^-9 मीटर, मींस 1 नैनोमीटर शो किया गया है.
हालांकि कहीं कहीं वन एंगस्ट्रॉम यानी 10^-10 भी शो किया गया है. सो रेडियस ऑफ एटम इज नियर अबाउट, इट्स नॉट एक्चुअली फिक्स, इज नियर अबाउट 1 नैनोमीटर या फिर हम 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10^-10 मीटर भी बोल सकते हैं. एटम्स को हम नॉर्मल आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. तो अब जब हम एटम को देख नहीं सकते तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे हम एटम को देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली एटम प्रोड्यूस होता है? तो देखिए, इट्स HCM, STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कैन क्रिएट द कंप्यूटराइज इमेज ऑफ द एटम, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम ब्लर्ड स्फीयर टाइप के एटम्स को देख सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, एटम्स को हम नॉर्मलाइज से तो देख ही नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दैट इज STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, और वो भी एग्जैक्टली नहीं नजर आते, ब्लर्ड स्फीयर की तरह हमें नजर आते हैं. कंप्यूटराइज इमेज बन सकती है जिसके थ्रू हम एटम्स को पता लगा सकते हैं. तो इस तरह से ये एटम्स हैं, और जब ये एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. अब हम बात करते हैं एटम्स के सिंबल की, किस तरह से सिंबलाइजेशन किया गया है अलग अलग गैसेस के एटम्स का या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का, और किसने सबसे पहले शो किए थे और बाद में किस तरह से इसको चेंज कर दिया गया. हेयर आई हैव रिटन फ्यू सिंबल ऑफ द एलिमेंट. ये सिंबल ऑफ एलिमेंट पहले के समय में लिए गए थे जो डाल्टन ने शो किए थे. इनको याद करना तो बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये बताए गए हैं. देखिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है सर्कल करके एक डॉट बनाया गया है, दैट इज द हाइड्रोजन सिंबल. कार्बन का सिंबल पूरी तरह से फिलअप किया गया है स्फीयर के फॉर्म में. ऑक्सीजन इस तरह, सल्फर लाइक दैट, प्लैटिनम सर्कल के अंदर पी, आयरन, देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मर्क्यूरी. लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, इन सिंबल्स को याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो इन सिंबल को रिप्लेस किया गया है उनके लैटिन नाम के फर्स्ट लेटर से, या इंग्लिश अल्फाबेटिकल के जिस नाम से कोई एलिमेंट शुरू हुआ है उसके फर्स्ट लेटर से उसको रिप्लेस किया गया है. तो जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न सिंबल है, वो किस तरह के हैं? देखिए, मॉडर्न सिंबल, मॉडर्न सिंबल में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इनके इंग्लिश नेम की बात करते हैं. पहले इंग्लिश सिंबल, लैटिन सिंबल भी प्रेजेंट है और इंग्लिश सिंबल भी प्रेजेंट है. इंग्लिश सिंबल हो सकता है उसके नाम का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट के साथ साथ उसका सेकंड लेटर भी. तो जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H ओनली. ओके, देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर है O, इसीलिए इसका सिंबल भी क्या हो गया है, जस्ट अ O. बात करते हैं हम इसकी लिथियम की. लिथियम, लिथियम का फर्स्ट लेटर L है, सेकंड लेटर I है, इसीलिए हमने इसको लिया है Li के फॉर्म में लिया है. नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड बोरॉन. बोरॉन का फर्स्ट लेटर बी. बेरिलियम, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, इट्स बीई. इसके बाद दैट इज कार्बन. कार्बन का सिंबल सी लिया गया है. देन कार्बन के बाद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल एन, कैपिटल एन. फ्लोरीन कैपिटल एफ. इस तरह से इंग्लिश सिंबल फर्स्ट लेटर या दूसरा, कैल्शियम भी लिखते हैं, कैल्शियम का सी ए. तो देखा आपने किस तरह से मॉडर्न सिंबल अपने को इजी कर देते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल को याद करना. उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर को ऐड करके हम उसके सिंबलाइज बना सकते हैं.
लेकिन चूंकि इनके ओरिजिन लैटिन वर्ड से है, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनका नाम उनके लैटिन ओरिजिन से भी लिया गया है, यानी लैटिन वर्ड से भी लिया गया। सो हेयर आई एम राइटिंग फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स जिनका नेम लैटिन ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। Here you can see the table. Here I have written English name of the few elements. उनका symbol है और उनके Latin name है। कई बार question आता है कि उसका Latin name क्या हो सकता है किसी element का, तो ध्यान दीजिएगा कुछ symbol है जो Latin name से extract किए गए हैं। जैसे sodium, sodium का symbol होता है Na, लेकिन इसका ये जो symbol लिया गया है उसके Latin name से लिया गया है जो है natrium. So Na is taken from the Latin name. That's why इसका symbol क्या है Na. सेकेंड देखिए के, के मीन्स दैट इज द पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल है के और के कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम इट्स कैलियम। नेक्स्ट है आयरन, आयरन का लैटिन नेम है फेरम और फेरम के फर्स्ट टू लेटर लिए गए हैं दैट इज द एफ ई। कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम और क्यूप्रम के फर्स्ट टू लेटर लिए गए हैं सी यू। देन सिल्वर, सिल्वर का नाम है अर्जेंटिनम और अर्जेंटिनम का सिंबल लिया गया है ए जी। गोल्ड, गोल्ड इज ऑरम एंड ऑरम के फर्स्ट टू लेटर लिए गए हैं दैट इज ए यू। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज हाइड्रोजियम एंड हाइड्रोजियम का लिया गया है एच जी। टिन, टिन मीन्स स्टेटिनम एंड स्टेटिनम का लिया गया है एस एन। एंड लेड, लेड मीन्स प्लम्बम और प्लम्बम का सिंबल लिया गया है पी बी। आप सोच रहे होंगे इसके इनको किस तरह से याद करेंगे, जैसे जैसे हम इसको यूज करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट 20 जो एलिमेंट है वो तो अपने को याद करना है, जो मैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे बता दूंगी कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इनको स्पेशली इंग्लिश नेम और उनके सिंबल याद रहने चाहिए। नाइन्थ क्लास में आपको लैटिन नेम से भी पूछा जा सकता है कि लैटिन नेम का सिंबल क्या होता है।